हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये बेबी बूटीज लेकर आई हूँ। ये बूट मैंने 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है और इस बूट में मैंने ये डोरी डाल के पोम पोम लगाए हुए हैं और आगे मैंने ये डिजाइन डाला हुआ है। ये बूट जो मैंने नीचे से स्टार्ट किया हुआ है बनाना और उसमें मैंने 39 फंदे लगाए हुए हैं। ये मैं आपको बूट जो बनाना बताती हूँ कि कैसे ये बूट जो हमने बनाना है। इसके लिए ये मैंने 39 फंदे जो हैं लगा के रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं 2 रोज जो है मैं ऐसे सीधी सीधी बनाऊँगी नीचे की तरफ। ये हमारी सीधी साइड है तो हम ये फर्स्ट रो भी सीधी साइड बनाएंगे और हम जब उल्टी साइड आएंगे तो वो भी हम सीधी सीधी ऐसे ही नीचे की तरफ कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपको 2 रोज कंप्लीट करके बताती हूँ दोनों साइड से सीधी सीधी। ये हमारी 2 रोज जो है सीधी सीधी दोनों साइड से कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे कि हम फर्स्ट फंदा ऐसे लेंगे, धागा नीचे की तरफ करेंगे और एक फंदा ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे और फिर आगे क्या करेंगे, ये हमारे 2 फंदे हो गए और आगे फिर हम यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। तो हम ऐसे करके फंदा बढ़ाएंगे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे फंदा बढ़ा सकते हैं। फिर एक फंदा बढ़ाने के बाद हम आगे 17 फंदे ऐसे सीधे सीधे नीचे की तरफ बनाएंगे। ये हमारे 17 फंदे बन गए हैं। अब इसके बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक फंदा बनाएंगे हम, और एक फंदा बनाने के बाद फिर से हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो एक फंदा ये हमने बीच में एक फंदा बनाया, इसके दोनों साइड में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब फिर से हम आगे के 17 फंदे जो हैं हम बनाएंगे। ये 17 फंदे बनाने के बाद फिर से हमारे लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो इसके पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने शुरू में स्टार्ट में हमने 2 फंदे बनाने के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया था, वैसे लास्ट में 2 फंदे के बाद हम एक फंदा जो है बढ़ा लेंगे और फिर लास्ट में हम ये 2 फंदे जो हम ऐसे सीधे बना लेंगे। ये हमने हमारी जो है थर्ड रो जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, उल्टी साइड में हम हर बार जो है हमारी इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, यह हम सारी जो है नीचे की तरफ सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हम सीधी साइड में ही हम जो है फंदे हम अपने बढ़ाएंगे। तो ये रो मैं आपको सारी सीधी सीधी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब 4th रो जो है उल्टी साइड से सीधी सीधी हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम 5th रो में आते हैं। जैसे हमने 3rd रो में इस लाइन में हमने 2 फंदे बनाने के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया था और फिर आगे 17 फंदे बनाए और फिर एक फंदा बढ़ाया और फिर एक फंदा बनाया और फिर एक फंदा हमने बढ़ाया, फिर 17 फंदे बनाए और फिर लास्ट में फिर से हमने 2 फंदों के पहले हमने एक फंदा बढ़ाया। जैसे स्टार्ट में हमने 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था। अब इस रो में हम क्या करेंगे कि यहाँ हम 3 फंदे जो हैं बनाएंगे सीधे सीधे। नीचे हमने 2 फंदे बनाए थे, अब 3 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, इसके बाद जो है हम फंदा बढ़ाएंगे। अब फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम आगे 17 फंदे जो जैसे हमने नीचे 17 फंदे बनाए थे वैसे ही हम यहाँ 17 फंदे बना लेते हैं। ये हमारे 17 फंदे बनाने के बाद फिर से हम जैसे पहले की तरह हमने एक फंदा बढ़ाया और फिर हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब की बार हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। नीचे जो हमने 2 फंदे बढ़ाए थे और एक सीधा, वो हम 3 फंदे बनाएंगे और दोनों साइड में हम फिर एक एक फंदा जो है बढ़ाएंगे। और फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम 17 फंदे ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। ये हमने फिर से 17 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। और फिर से जैसे हमारे शुरू में 3 फंदे बनाए फिर उसके बाद हमने फंदा बढ़ाया, वैसे ही हमने यहाँ लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो इसके पहले हम एक फंदा जो है बढ़ा लेंगे और 3 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। और उल्टी साइड में हम 6th रो जो है हम सारी उल्टी की उल्टी उल्टी साइड में हम 6th रो सारी हम ऐसे ही सीधी सीधी नीचे की तरफ बनाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारी अब उल्टी साइड में हमारी जो है 6th रो जो कंप्लीट हो गई सीधी सीधी। और फिर से हम सीधी साइड में आते हैं, तो पहले हमने नीचे 2 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था, फिर 3 फंदों के बाद
अब जो हम चार फंदों के बाद हम फंदा जो है बढ़ाएंगे, हम पहले हम चार फंदे जो हैं बना लेते हैं, फिर हमने ये फंदा बढ़ाया, फिर आगे फिर से हम 17 फंदे जो हम बनाएंगे सीधे सीधे। ये हमारे 17 फंदे बनाने के बाद फिर से हम यहाँ जो है फंदा बढ़ाएंगे। अब फंदा बढ़ाने के बाद पहले हमने नीचे यहाँ एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बनाया था बीच में, दोनों साइड में फंदे बढ़ाने के बीच में हमने एक फंदा बढ़ाया था, एक फंदा बनाया था, फिर तीन फंदे बनाए दोनों फंदों बढ़ाने के बीच। अब यहाँ ये फंदा बढ़ाया हमने, तो इसके बीच हम अब 5 फंदे जो है बनाएंगे, 3, 4 और 1, 5। ये 5 फंदे हमने बीच में बनाए और फिर से हम फंदा जो है यहाँ बढ़ाएंगे, आगे फिर से हम 17 फंदे जो हैं बना लेते हैं सीधे सीधे। ये फिर से हमने 17 फंदे बना लिए, और फिर से जैसे स्टार्ट में हमने 4 फंदे बनाए, फिर उसके बाद हमने फंदा बढ़ाया है, और फिर से हमारे लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे और ये हम 4 फंदे सीधे सीधे बना लेते हैं, और उल्टी साइड में हम सारी रो जो सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी जो उल्टी साइड से हमने 8th रो भी सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधे में आते हैं, तो जैसे हमने पहले नीचे 4 फंदे बनाए, फिर उसके बाद हमने फंदा बढ़ाया, तो इस तरफ हम क्या करेंगे, पहले 5 फंदे बनाएंगे और फिर हम जो है फंदा बढ़ाएंगे। ये 5 फंदे हमने बना लिए और फिर हम जो है फंदा बढ़ाएंगे। ये फंदा बढ़ाने के बाद फिर से हम 17 फंदे जो हैं बनाएंगे, और फिर हम आगे 17 फंदे बनाने के बाद फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, और यहाँ हमने नीचे 5 फंदे बीच में बनाए थे, अब की बार हम 7 फंदे बनाएंगे और फिर हम 17 फंदे बनाएंगे, और फिर लास्ट में फिर से हमारे 5 फंदे बनाएंगे लास्ट में, और उसके पहले हम एक फंदा यहाँ बीच में बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही हम जो है 2 रो इस तरफ और 2 रोज इस तरफ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम जो है 5 फंदों के बाद हमने फंदा बढ़ाया है, ये लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम उल्टी रो में पूरी सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे, और फिर से ये 9th रो है, ये 10th रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, और फिर 11th रो में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे कितने फंदे हो गए, 5 फंदे के बाद हमने फंदा बढ़ाया, फिर अगली नेक्स्ट लाइन में हम 6 फंदों के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम 2 रोज इस तरफ और 2 रो इस तरफ हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने नीचे 39 फंदे लगाए थे, तो ऊपर हमारे पूरे लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे पूरे फंदे जो हैं 59 फंदे हो जाएंगे। ये मैं आपको 2 रो इस तरफ और 2 रो दूसरी तरफ कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारे जो है 6 लाइन इस तरफ कंप्लीट हो गई हैं और 6 लाइन इस तरफ कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पूरी 12 लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 13 रो में चलते हैं, तो ये हमारी जो है सीधी साइड है, तो ये हम 13 रो जो हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे, इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और नहीं घटाएंगे। तो ये रो मैं आपको पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने सीधी साइड से सीधी सीधी रो जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारा नीचे का ये सूज का नीचे का सोल जो हमारा बनके तैयार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला हम ये डिजाइन वाले फंदे ये बनाएंगे। तो ये मैं आपको फंदे सेट करके बताती हूँ कि कैसे हमने ये बीच में डिजाइन जो है डालना है। तो ये हमारे 59 फंदे हो गए हैं। अब हम जो है उल्टी साइड में डिजाइन सेट करेंगे, तो इसमें हमारे 59 फंदे ये पूरे, तो इसमें हम पहले 20 फंदे जो हम सीधे सीधे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बीच में 19 फंदे जो हैं वो एक सीधा और एक उल्टा और एक सीधा और एक उल्टा ऐसे फंदे बनाएंगे। और जो हमने सीधा फंदा बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीधा फंदा बनाना है, और फिर लास्ट में फिर से हमने जैसे शुरू में हमने 20 फंदे बनाए हैं सीधे सीधे, वैसे ही हमने यहाँ भी सीधे सीधे 20 फंदे बनाने हैं। तो ये मैं आपको पहले 20 फंदे जो मैं आपको सीधे सीधे बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने 20 फंदे जो हमने सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के करेंगे कि धागा ऊपर करेंगे, और 19 फंदे जो है हमारे आगे के, उसमें हम एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाएंगे। तो पहला फंदा उल्टा धागा नीचे किया, दूसरा सीधा धागा ऊपर किया, फिर से उल्टा धागा नीचे किया, फिर से सीधा धागा ऊपर किया और उल्टा, ऐसे हम एक सीधा और एक उल्टा ऐसे हम 19 फंदे जो हैं बनाएंगे।
और फिर उसके बाद मैं आपको 19 फंदे बनाने के बाद फिर मैं आपको ये आगे 20 फंदे जो सीधे सीधे बनाऊंगी। ये हमने आगे बीच में 19 फंदे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे कंप्लीट कर लिया है, और फिर से हमने धागा नीचे किया और आगे के फिर से हम 20 फंदे जो हम ये सारे हम सीधे सीधे बनाएंगे। और फिर हम सीधी साइड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने ये सीधे फंदे जो कैसे बनाने हैं बीच में। ये हमने उल्टी साइड से सारी रो कंप्लीट कर ली है, अब फिर से हम सीधी में आते हैं सीधी साइड में। तो सीधी साइड में फिर से हम 20 फंदे जो हम ये हम पूरे ऐसे सीधे सीधे नीचे की तरफ कंप्लीट करेंगे। ये हमने शुरू के 20 फंदे जो सीधे सीधे बना लिए हैं। अब बीच के हमारे 19 फंदे जो हैं जो हमने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाया था, तो इसमें जब हमारा सीधा फंदा आएगा तो हम इसे जैसे हम सीधा फंदा ऐसे बनाते हैं तो इसको ऐसे नहीं बनाना है। इसके नीचे जो हमारा ये होल दिखाई दे रहा है इसमें से हम निकालेंगे सिलाई को और इसको ऐसे बनाएंगे। फिर धागा ऊपर किया और जो हमारा उल्टा फंदा है इसको हम ऐसे ही जैसे हम बनाते हैं उल्टा फंदा वैसे बना लिया। फिर से धागा नीचे किया और फिर से ये हमारा सीधा फंदा है तो इसको हम फिर से नीचे वाले होल से ऐसे सिलाई निकालेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। और फिर से हमारा उल्टा फंदा आया, हमने उल्टा फंदा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है। धागा नीचे किया, फिर से सीधा फंदा है तो फिर से हम नीचे वाले होल में निकाल के ऐसे फंदा जो हम बनाएंगे। धागा ऊपर किया, ऐसे हम सारे फंदे जो 19 फंदे जो हम ऐसे ही बनाएंगे। और फिर आगे के 20 फंदे जो हैं जैसे हमने शुरू में सीधे सीधे बनाए वैसे हम 20 फंदे जो आगे के सीधे सीधे बनाएंगे। ये मैं आपको 19 फंदे और आगे के 20 फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये हमने रो जो कंप्लीट कर ली है, ये हमने सीधी साइड से आपको इन 20 फंदे हमने सीधे सीधे कंप्लीट किए और लास्ट में भी 20 फंदे सीधे सीधे कंप्लीट किए। और बीच में हमने 19 फंदे जो हमारे सीधे हैं वो हमने आपको बता दिए कि कैसे नीचे होल में से निकालेंगे, और उल्टे फंदे तो हमने ऐसे उल्टे बनाए। अब फिर से हम उल्टी साइड में आते हैं तो उल्टी साइड में भी हमने ऐसे 20 फंदे जो हमने ऐसे सीधे सीधे बनाने हैं, और बीच के फंदे वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम फिर से जैसे हमने सीधी साइड में बनाए हैं वैसे ही हम इनको बनाएंगे। मैं 20 फंदे बना के दिखाती हूँ। ये हमने 20 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं, अब हम धागा ऊपर करेंगे और आगे के 19 फंदे हम बनाएंगे। तो पहला फंदा हमारा उल्टा है तो हम ये उल्टा बनाएंगे। धागा नीचे किया, फिर से आगे हमारा सीधा फंदा है तो इसको हम ऊपर से नहीं ऐसे नीचे वाले होल से ऐसे सिलाई निकालेंगे और फिर इस फंदे को बनाएंगे। ये हम जो हम सीधा फंदा ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम बनाते हैं, पर जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ नीचे से होल में से निकालेंगे फिर फंदा बनाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारा ये जो डिजाइन है उभरा उभरा सा आएगा। अब फिर से धागा ऊपर किया और एक उल्टा फंदा बनाया, धागा नीचे किया, ये नीचे होल में से निकाला और फिर फंदा बनाया, धागा ऊपर किया, ऐसे ही ये मैं आपको 19 फंदे जो हैं बना के दिखाती हूँ। ये 19 फंदे और फिर आगे 20 फंदे जो मैं सीधे सीधे बनाऊंगी ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने उल्टी साइड से हमने ये 19 फंदे उल्टे और सीधे जो हमने बना लिए हैं, और फिर आगे के हमने 20 फंदे जो हैं सीधे सीधे बनाने थे वो भी हमने बना लिए। अब फिर से हम सीधी साइड में आते हैं तो फिर से हमने ऐसे करना है कि पहले 20 फंदे जो हैं ये हमने ऊपर तक ऐसे 20 फंदे जो हैं ऐसे ही सीधे सीधे बनाने हैं दोनों साइड से, चाहे वो उल्टी रो है चाहे वो सीधी साइड है। और बीच के 19 फंदे जो हैं वो भी हमने दोनों साइड से उल्टा फंदा जो हमने वो उल्टा ही बनाना है, और जो सीधा फंदा है वो हमने ऊपर की बजाय नीचे होल से निकाल के हमने फंदा बनाना है। ये हमने ऊपर तक बनाना है। ये मैं आपको जैसे हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी 8 रो जो है नीचे से लेकर ऊपर तक 8 रो कंप्लीट हो गई है। तो ये मैं आपको ऊपर तक 15 रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये 8 और 7 रो और मैं ऐसी ऐसी 7 रो ऊपर मैं आपको ऐसे डिजाइन की 7 रो बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा डिजाइन जो ऊपर तक कंप्लीट हो गया है, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 रो इस तरफ हमारी आ गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारी ये सीधी साइड है तो हम सीधी साइड में ये पहले 20 फंदे जो हम ऐसे नीचे की तरफ सीधे सीधे बना लेंगे।
ये हमने 20 फंदे जो हमने सीधे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके हमारे ये आगे डिजाइन के फंदे जो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा, इनको हम कैसे बनाएंगे कि इनका हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो एक सीधा और एक उल्टा, ये हमारा सीधा फंदा जो इसको हम ऐसे पलट लेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हम इस फंदे को ऐसे पलटा मारेंगे और फिर एक सीधा और एक उल्टा, इन दो फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। ऐसे हम सारे फंदों को हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इन 19 फंदों से हमारे जो हैं 10 फंदे बन के रह जाएंगे। लास्ट में फिर हमारा एक सीधा फंदा रह जाता है, तो इसमें उल्टा नहीं है। तो हमारे यहाँ से डिजाइन शुरू हुआ था और यहाँ तक, तो लास्ट में एक सीधा फंदा जो इसको हम ऐसे ही अकेले सीधा बना लेंगे। ये हमारे बीच में हमारे अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे हमारे रह गए हैं। अब आगे के 20 फंदे जो हैं ये हम इन्हें भी अब ऐसे सीधा सीधा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सारे रो अब कंप्लीट कर लिए हैं। हमने दोनों साइड में 20-20 फंदे जो हमने सीधे सीधे कंप्लीट किए हैं और बीच में हमने 19 फंदों के हमने 10 फंदे बना लिए हैं। और फिर से हम उल्टी साइड में, तो उल्टी साइड में हम क्या करेंगे कि ये पहले हमारे 20 फंदे जो हैं इन्हें हम फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारे सीधे सीधे फंदे आएंगे 20 फंदे, और 20 फंदों के बाद हमारे ये बीच के 10 फंदे जो बचे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। और फिर उल्टा बनाने के बाद फिर से हमारे ये 20 फंदे आगे के हम फिर से सीधे बनाएंगे। तो ये मैं आपको 20 फंदे बना के बताती हूँ। ये हमने 20 फंदे जो हमने सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो हैं आगे के फंदे जो हैं वो ये हमने हमारे जो हैं 10 फंदे जो हैं बीच वाले, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो धागा ऊपर किया और ये 10 फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। और फिर 10 फंदों के बाद हमारे ये 20 फंदे जो हैं इनको फिर से हम पहले की तरह सीधा सीधा बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम ऐसे सीधी साइड में फिर से ये 20-20 फंदे जो हम सीधे सीधे बनाएंगे सीधी रो में, और ये वाले फंदे जो हैं हम इनको इस तरफ से सीधी तरफ से हम सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। ऐसे मैं आपको 2 रोज कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई है, यानी कि 4 लाइंस, 2 लाइन इस तरफ और 2 लाइन इस तरफ। 2 लाइन इस तरफ हमने ये सीधी साइड में हमने सारी रो जो नीचे की तरफ बनाई, और उल्टी रो में हमने 2 लाइंस जो है वो 20-20 फंदे जो साइड के हमने सीधे, और बीच वाले फंदे 10 फंदे जो हमने वो उल्टे उल्टे बनाए। ऐसे हमारी 2 रोज जो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में हम क्या करेंगे कि यहाँ से फंदे, पहले 20 फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे और फिर आगे के नेक्स्ट फंदे जो हम वो भी हम सीधे बनाएंगे। ये 20 और 10, ये 30 फंदे जो हमें सीधे सीधे बना लेती हूँ। ये हमने रॉन्ग साइड में ये 20 फंदे और आगे के 10 फंदे हमने ये सारे सीधे सीधे बना लिए हैं। अब ये हमने 10 फंदे जो बनाए हमने यहीं से सिलाई को पलटा मारना है और फिर आगे हमने ये 10 ही फंदे बार बार बनाने हैं। तो पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और धागा नीचे किया और फिर आगे के ये 10 फंदे जो हम सीधा सीधा बनाएंगे इनको। ये 10 फंदे हमने ऐसे बना लिए, फिर से सिलाई को यहाँ से पलटा मारेंगे और फिर पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे और फिर ये 10 फंदे हम फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। ये ऐसे ही हम ये 10 फंदे जो हम ऊपर तक बनाएंगे। ये हम 8 लाइन जो हम दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये वाला भाग जो हम बनाएंगे ऊपर तक, ये हमने 2 लाइंस बना लिए और आगे 6 लाइन और बनाएंगे। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने अब सारी रो जो ऊपर तक कंप्लीट कर ली है। अब जो हम इन फंदों को बंद करेंगे, तो ऐसे ये 2 फंदे एक साथ लेके हम इनको दो दो करके बंद करेंगे। 2 का 1, फिर इसी में डाल के फिर 2 का 1,
ऐसे ही हम सारे फंदे जो बंद कर लेंगे और फिर धागा जो हम तोड़ देंगे। ये मैं बंद करके आपको बताती हूँ। ये हमने अब इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। और जब हमने ये 10 फंदों को इस पार्ट को बनाना शुरू किया था तो हमने साथ में ये 20 फंदे भी कंप्लीट कर लिए थे। और इस साइड के हमारे 20 फंदे जो हमारे बनाने के लिए रह गए थे। तो अब क्या करेंगे कि हम ये 20 फंदे जो है बनाएंगे, तो हम ऐसे सीधी साइड करेंगे इसे, और एक एक्स्ट्रा धागा लगा के इसे बनाएंगे। ये हम पहला फंदा जो हम ऐसे लेंगे और फिर जो है धागा हम ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, और ये सारे फंदे हम 20 के फंदे हम ऐसे नीचे की साइड बनाएंगे। ये सारे फंदे 20 वाले फंदे, ये 20 फंदे जो हम नीचे की तरफ बना के कंप्लीट करके बताते हैं। ये हमने 20 फंदे बना लिए हैं। अब फिर से इसी सिलाई को हम यहाँ से मोड़ेंगे और फिर हम यहाँ सारे फंदे जो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये मैं आपको उल्टे उल्टे बना के दिखाती हूँ। ये हमारा जो है सीधे की तरफ सीधा सीधा ऊपर तक कंप्लीट हो गया है, और उल्टी साइड में भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हम उल्टे की साइड जो हम एक रो जो है हम सीधी सीधी बनाएंगे, तो हमारी सीधी तरफ एक उल्टी रो आ जाएगी। ऐसे हम ये सारी रो जो है उल्टी साइड से हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये मैं आपको सारी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने उल्टी साइड से लाइन जो है कंप्लीट कर ली है। और फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं, तो हम फिर से सीधे की तरफ जो है ऐसे सीधी सीधी रो कंप्लीट करेंगे। अब हम फिर से ये वाला भाग जो है ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने जितनी लाइन्स हमने नीचे ये सीधी सीधी बनाई, ऊपर भी हम उतना ही सीधी सीधी लाइन कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ, सीधी की तरफ सीधी सीधी और उल्टी की तरफ उल्टी उल्टी। ये हमने अब फिर से ऊपर सीधी साइड सीधी रो और उल्टी साइड उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे, तो हम ये दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक बनाएंगे। फिर इसी फंदे को इसी में डाल के फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर ये फंदा इसी में डाल के फिर से दो का एक बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे फंदे जो बंद करते जाएंगे। ये हमारे जो फंदे बंद होते जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे तक बंद करके बताती हूँ। ये हमने अब सारे फंदे जो बंद कर लिए हैं, और लास्ट का फंदा जो हम ये धागा काट के हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमारे उल्टी साइड है, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ से जो लाइन हमने ये उल्टी उल्टी बनाई है, इसको ऐसे बराबर करके हम ऐसे सुई से सिलेंगे, ऐसे नीचे सिल देंगे इसको। तो ये हमारी देखना आपने कि ये कहाँ पे हमारा बराबर सेट होता है, तो उसको उसी हिसाब से आपने इसको सुई से सिल देना है इसको सारा आगे तक। उससे पहले आपने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ ये पूरी सिलाई करनी है। ये मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ, फिर मैं आपको ये सिलना बताऊँगी। ये हमने सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमने ये जो ऊपर बनाया है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम सुई से सिल देंगे। ये मैंने धागे में सुई डाल ली है, ऐसे इसको हम सिलते जाएंगे। ये आपका ये जो आपने बंद किए हुए फंदे हैं आपके, इनको हम इसके साथ सिलते जाएंगे। ये सारा मैं आपको आगे तक सिल के बताती हूँ।
ये हमने अब सारा सिलके कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो है सॉक्स को सीधा करेंगे और इसमें हम डोरी डालेंगे, यहाँ से डोरी डालेंगे। ये मैंने डोरी बना के रखी हुई है, अब जैसे चोटी बनाते हैं उसी तरह ये मैंने डोरी बनाई हुई है। ये हमने डोरी डाल दी है और जैसे हमने यहाँ पोम पोम लगाया है उसी तरह हम ये पोम पोम यहाँ बांधेंगे धागे से और फिर हमारी जो है सॉक्स बन के कम्प्लीट हो जाएगी। ये हमने अब दोनों तरफ जो पोम पोम लगा के बूट जो हमने तैयार कर दिया है। ये बूट आप 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।